फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, उसमें बेबी की जो हार्ट रेट है यानी जो दिल की धड़कन है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको जितनी भी अल्ट्रासाउंड बताने वाली हूँ वो थर्ड मंथ के बाद वाली है, यानी कि सभी लेडीज़ों का जो तीसरा महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है उसके बाद उनकी जो अल्ट्रासाउंड हुई थी, यानी कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उसके तीसरा माह जो निकल चुका है उसकी बात की अल्ट्रासाउंड है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेबी के नबलिंग की, बेबी के हार्ट रेट की और बेबी की पोजीशन की, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं तो सभी लोगों के मन में जिज्ञासा है। वैसे मैंने सभी लोगों को उनका रिप्लाई कर दिया है, लेकिन कुछ लोग जैसे आपको तो आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया, लेकिन कुछ जो नए व्यूअर्स हैं, जो नई ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती है, उनके जो सवाल हैं, उनका जो क्वेश्चन है उसके सवाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना ली जाए ताकि सभी लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर इस वीडियो में मैं दे सकूं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो देखिए, आप फर्स्ट से थर्ड मंथ के बीच में अल्ट्रासाउंड जैसे ही करवाते हैं तो उसमें बेबी बॉय और बेबी गर्ल की जो हार्ट रेट है वो सेम आती है, पोजिशन भी कुछ सेम आ सकती है। तो इसमें अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, क्योंकि उस समय बेबी का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, उस समय बेबी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। कभी बेबी आपको पोस्टेरियर, एंटेरियर, फंडेल या जो बीच वाली पोजीशन है उसमें रहता है, तो इसमें अनुमान लगाना काफ़ी कठिन रहता है। लेकिन आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर जो चीज़ें हैं वो ये लगातार करते रहते हैं, तो उनको तो एक रहता है कि हाँ ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। लेकिन अगर हम खुद पता लगाना चाहते हैं तो हमको थर्ड मंथ के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर जितनी भी अल्ट्रासाउंड है वो थर्ड मंथ की है। वीडियो स्टार्ट करने से ये पहले बताना चाहूँगी कि वीडियो में जेंडर प्रेडिक्शन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जो न्यू पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके कमेंट्स रहते हैं, उसी के थ्रू मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को आप गलत दृष्टि से बिल्कुल भी ना देखें, फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, सवाल रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों समान ही रहते हैं, लेकिन पोजीशन बच्चे चेंज करते रहते हैं। आपने यूट्यूब पर या कई वीडियो में देखा होगा कि अगर 140 से ज़्यादा है तब आपको बेबी गर्ल ही होगी, पोस्टेरियर या एंटेरियर है तो तब भी आपको बेबी गर्ल ही होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और कमेंट्स आए हैं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो उनकी जिज्ञासा के लिए ये वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना। कि अल्ट्रासाउंड काफ़ी लोग करवाते हैं जिसमें उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर बेबी बॉय या बेबी गर्ल कहाँ लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जहाँ आपको प्लेसेंटा लिखा हुआ है वहीं पर आपको आपका बेबी बॉय देखना है। अब बार बार ये पूछा जाता है माइनस और प्लस, तो मैं यहाँ पर आपको बार बार प्लस बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो अगर टू बार बना है तो आप बेबी बॉय को कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी अल्ट्रासाउंड बनाई है हमने यहाँ पर जो ये, वैसे सभी अल्ट्रासाउंड में आपको दिखेगा कि बना हुआ, लेकिन अगर आपकी बेबी की हार्ट रेट जो ज़्यादा है इसके साथ ही प्लेसेंटा की पोजिशन भी मायने रखाती है और साथ में ये बनता है, तो आप मान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं। अब आप यहाँ नाम देख सकते हैं, ये 11 से जिसकी हम अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं, ये बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड है, प्लेसेंटा पोस्टेरियर ग्रेट आती। जो बेबी की फोटल हार्ट रेट है वो 142 BPM है, यानी 140 से ज़्यादा है। कई बार आपने YouTube पर देखा होगा 140 से कम होगा तभी आपको बेबी बॉय होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपको 140 से ज़्यादा है, 142 BPM है तो आपको बेबी बॉय ही हो सकता है। आपको ये पूरी चीज़ें ऐसे सेम होनी चाहिए। इसके साथ ही इसने एक और अल्ट्रासाउंड करवाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीक और ये सभी दिया हुआ है। अब हम एक अल्ट्रासाउंड और उस इसी की जो इसने बाद में करवाई थी,
एक अल्ट्रासाउंड ये वाली है जिसमें प्लेसेंडा फंडल ग्रेड, देखिए दोनों चीज़ों में अलग अलग आया है, यहाँ पर पोस्टेरियर आया है, फंडल आया है। अब उसके बाद हम बेबी की जो हेड रेट की बात करेंगे, हार्ट रेट की, तो वो 140 BPM है और यहाँ पर 142 BPM है, यानी कि इसको बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है, तो ये काफ़ी मायने रखाता है। अब हम यहाँ पर एक और जो रहती है इस तरीके हैं, अब हम इसी में एक और अल्ट्रासाउंड को ऐड करेंगे। ये एक अल्ट्रासाउंड और है, यहाँ पर आप बच्चे की, पहले हम हार्ट बीट की बात करेंगे, 158 BPM, और जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो फंडेल है, आप देख सकते हैं। और हार्ट बीट भी, यानी कि ये वाली अल्ट्रासाउंड और जो हमने ये वाली अल्ट्रासाउंड की थी, बिल्कुल इसमें ये सेम ही दोनों की चीज़ें हैं और दोनों को बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है। इसमें आपको थोड़ा क्लियर है, जो बार बार हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं कि प्लस प्लस कहाँ बना हुआ होता है, आप हमको बताइए कहाँ लिखा हुआ होता है, तो मैं यहीं पर आपको बार बार बताती हूँ। यहाँ पर अगर आपकी इस तरीके की अल्ट्रासाउंड है तो आपको दिख सकता है, वैसे जो ये ऐसा लिखित वाला पेपर रहता है, आप उसमें ही बेबी के हार्ट बीट देखिए, बेबी की पोजीशन देखिए, इससे आपको एक अनुमान लगाने में हेल्प मिल जाएगी। अगर आपकी पहले वाली जो हमने बताई है कि उस तरीके की अल्ट्रासाउंड करी हुई है सोनोग्राफी, तो उसमें तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि बेबी कहाँ है और कहाँ माइनस प्लस रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 128 BPM जो बेबी की हार्ट रेट है। और भी हम कई चीज़ें जानेंगे, जिसे मैं अपने अल्ट्रासाउंड भी बताऊंगी, जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। अगर आपकी कलर डॉपलर यानी टारगेट स्किन, एनोमली स्किन जो बनी हुई है, तो आपको एक अंदाज़ा लगाने में हेल्प मिल जाएगी। इस अल्ट्रासाउंड में आपको क्लियरली दिख जाएगा, जहाँ पर इमेजेस रहती हैं वहाँ पर लिखा हुआ रहता है प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, और ये भी बेबी बॉय की ही जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हार्ट रेट की, तो देखिए 142 BPM। आप एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें नोट भी कर लीजिए, जो मैंने पहली अल्ट्रासाउंड में बताई थी उसमें आई थी फर्स्ट में 140 BPM, सेकेंड में थी 142 BPM, और जो ये है आयशा नाम की लड़की की, इसमें भी 142 BPM जो बेबी की हार्ट रेट है वो आई है। और जो प्लेसेंटा रहता है एंटेरियर और फंडेल और एक पोस्टेरियर रहता है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। आपको अब ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, आप मेरी अल्ट्रासाउंड में जो बेबी की हार्ट रेट है वो 145 BPM है, प्लेसेंटा इज एंटेरियर, आप देख सकते हैं, और बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। और इस तरीके की जो आपके अल्ट्रासाउंड है, तो प्लेसेंटा के बीच में आप बेबी को देखें, यहाँ भी कहीं हार्ट रेट और ये सब चीज़ें लिखी हुई आती हैं, लेकिन जो इस तरीके की फाइल या पेज रहता है आप वहाँ पर देखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है इसमें। तो ये इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं या बेबी गर्ल को। तो यहाँ पर और एक नेक्स्ट आता है नब, जो मेरी अल्ट्रासाउंड में पूरा क्लियर ही है बेबी बॉय का बना हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस प्लस बना है और बेबी बॉय जैसा कुछ पार्ट्स बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ भी है और प्लस प्लस के दो चिन्ह दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरीके की जो फिंगर बनी हुई रहती है आपके अल्ट्रासाउंड में, वहाँ पर अगर 30 डिग्री से ऊपर कोण आपको उठता हुआ दिखाई देता है या बनता हुआ या लिखा हुआ है या प्लस प्लस के जो चिन्ह दिए हैं, तो आप अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा। तो इससे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर आपको पोस्टेरियर है, एंटेरियर है और फंडेल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको लड़की होगी, आपको लड़का भी हो सकता है। आपकी बेबी की अगर हार्ट बीट कम है, तो ये नहीं कि आपको लड़का होगा। अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट 140 से ज़्यादा है, तो हो सकता है आप बेबी बॉय को ही कंसीव करें। तो यहाँ पर चारों जो अल्ट्रासाउंड थी वो पूरी क्लियर हो गई हैं, बेबी की जो हार्ट रेट है वो 145 BPM है, और हमारी कई ऐसी इन पर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप इन चीज़ों में ना उलझें, बेबी बॉय और बेबी गर्ल समान हैं, जेंडर प्रोटेक्शन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, बस एक अनुमान और अंदाज़ा लगाने के लिए ही ये वीडियो थी। क्या काफ़ी जो पेरेंट्स रहते हैं उनके मन में जिज्ञासा रहती है, जाने बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो एक जो काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है, मैंने वहाँ पर ये क्लियर किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्टेरियर है तो बेबी गर्ल ही होगी, बेबी बॉय भी हो सकता है,
एंटेरियर में भी बेबी बॉय होते हैं, पोस्टेरियर में भी होते हैं, फंडेल में भी। कई दो अल्ट्रासाउंड तो हमारी बिल्कुल मैच हुई हैं, और जो मेरी और मेरी देवरानी की जो अल्ट्रासाउंड है, मैं उसकी भी वीडियो अगले उसमें डालूंगी, तो आप देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय समान ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।